नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रोटेक का 1550 मॉडल है इन्वर्टर का। 1550 मॉडल से आप ये मत समझना कि ये डबल का है, ये सिंगल बैटरी के लिए इन्वर्टर है, हैवी ड्यूटी इन्वर्टर। हैवी ड्यूटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोड आप इस पर चला सकते हैं। तो एक्चुअल में ये कितने वीए का है या एक्चुअली कितने वाट का लोड आपका रन कर सकता है, साथ ही साथ कितने वोल्ट पर ये चार्जिंग करेगा, कितने प्राइस का आपको पड़ेगा और कौन सी बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्वर्टर है, वैसे मैंने अनबॉक्स कर लिया है, ये इसका बॉक्स ही है मेरे पास। अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की जो एक्चुअल वीए पावर है, इसकी 1200 वीए का ये इन्वर्टर है। अगर हम वोल्टेज में जाएं तो एक्चुअल में जो ये वोल्टेज लोड चलाएगा वो 1000 वाट तक का लोड चला देगा आपका। अब सिंगल बैटरी में 1000 वाट तक का लोड चलाने वाला इन्वर्टर नहीं आता, लेकिन माइक्रोटेक ने ये मॉडल निकाला है। इसका नाम भी हैवी ड्यूटी ही रखा है क्योंकि हैवी लोड के लिए इसको बनाया गया है। ये आपकी बैटरी को भी बहुत फास्ट चार्ज करेगा और कंपनी ने इसमें बहुत सी सेफ्टीज भी दी गई हैं, इसमें सी भी दे रखी हैं, जिससे इन्वर्टर की पूरी प्रोटेक्शन रहती है। यानी कि इन्वर्टर में अगर किसी प्रकार कोई फॉल्ट आता है तो इन्वर्टर MCB को ड्रॉप कर देता है, जिससे आपका इन्वर्टर काफ़ी सेफ रहेगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। इसमें मैं दिखाता हूँ, इसके बॉक्स में थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर चूहा वगैरह इसके अंदर घुस गया तो इसमें कुछ नहीं छोड़ेगा। उसके बाद ये है इसका वारंटी कार्ड, साथ ही साथ इस पर काफ़ी डिटेल्स भी हैं, इसी इन्वर्टर की डिटेल इस पर दी गई है। और अगर हम बात करें हैवी ड्यूटी में, इनका मॉडल आता है 24 वोल्ट में इसी में, और उसकी जो एक्चुअल वीए है वो 2400 वीए का है। और अगर हम मॉडल की बात करें, मॉडल है 2350 24 वोल्ट DG, और ये जो मॉडल है ये है UPS 1550 12 वोल्ट DG, हैवी ड्यूटी इसका नाम रखा गया है। वैसे मैंने भी अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया, मैं भी डायरेक्ट ही अनबॉक्स करता हूँ। इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो आपको साथ साथ मैं बताता रहा हूँ। और ये सोलर इन्वर्टर नहीं है, ये सिंपल है, UPS है। यानी कि इस पर अगर ये सोच रहे हैं कि ये सोलर इन्वर्टर है, तो सोलर इन्वर्टर नहीं है, ये केवल सिंपल इन्वर्टर है। लेकिन अगर आप इसको लगाने के बाद अगर आप सोलर लगवाना चाहें अलग से कंट्रोलर लगा के, वो आप आराम से लगवा सकते हैं। ये है भाई हमारा इन्वर्टर, बहुत ही बढ़िया एक फिनिशिंग दी गई है, बहुत बढ़िया कलर वगैरह है इसका, ब्लैक कलर दिया गया है। पहले हम इसके फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, इसकी फ्रंट लुक हम एक बार। भाई बहुत हैवी है ये इन्वर्टर, इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा है। ये इसकी फ्रंट लुक है, तो पहले हम फ्रंट लुक से इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या बटन्स इसमें दिए गए हैं, बटन्स नॉर्मली जो सभी इन्वर्टर्स में होते हैं, इसमें वही दिया गया है, इसमें टेक्स्चर टाइप में दिया गया है। तो अभी हम एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है इसमें मेन का है, अगर मेन आपकी आ रही है तो ये वाला बटन ऑन रहेगा। उसके बाद UPS का है, अगर आप UPS मोड ऑन रखते हैं। अब UPS मोड है क्या, UPS मोड है जो कि आपकी जो चार्जिंग रखेगा वो 180 वोल्ट से 260 वोल्ट के अंडर चार्जिंग रहेगी UPS मोड पे। और अगर आप UPS मोड को ऑफ रखते हैं तो वहाँ पर चार्जिंग आपकी रहेगी 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक, यानी कि उसके बीच वो चार्जिंग को ले लेगा। और UPS मोड की एक और है, अगर UPS मोड चेंज होने में कितना टाइम लगता है, अगर आप एकदम से लाइव इसको चेंज करते हैं UPS मोड को, तो 15 मिली सेकेंड से भी कम समय में UPS मोड हो जाएगा नॉर्मल मोड से। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें चार्जिंग का, अगर चार्जिंग आ रही है तो चार्जिंग वाला ब्लिंक करेगा। उसके बाद इसमें ओवरलोड का, अगर आप इससे ज़्यादा लोड चला रहे हैं और सिंगल बैटरी पर आप 1000 वाट लोड चला रहे हैं, और 1000 वाट से भी ज़्यादा लोड सिंगल बैटरी के लिए, तो वो तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरलोड का एक दे रखा है इसमें। उसके बाद है बैटरी लो, अगर बैटरी लो हो जाती है। उसके बाद है MCB ट्रिप। अब MCB ट्रिप का ये जो ऑप्शन है, MCB ट्रिप, इसमें पीछे एक MCB दी गई है, फॉल्ट वगैरह इसमें आना होगा तो ये MCB को डाउन कर देगा ताकि इसमें कोई फॉल्ट वगैरह ना आए। तो MCB ट्रिप का यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर MCB ट्रिप है यानी कि MCB डाउन हो सकती है अगर ये वाली बत्ती आपकी जल रही है। उसके बाद इसमें ये जो मेन बटन दिया गया है ऑन ऑफ का, यानी कि आउटपुट का बटन है, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आउटपुट आपको ये देगा, अदरवाइज नहीं देगा अगर ऑफ रखेंगे। ये हैवी ड्यूटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डाउनवर्ड से है नीचे इसमें ये चीज़ें दी गई है, ये स्टैंड दिया गया है, ये इसके छोटे छोटे पैर दिए गए हैं। और साइड लुक की अगर हम बात करें, ये इसकी साइड लुक है, दोनों तरफ से सेम है साइड लुक, कुछ स्टिकर्स लगा हुआ है यहाँ पर। अब माइक्रोटेक ने एक चीज़ और स्टार्ट की है, सभी कंपनी ने लगभग स्टार्ट किया कि आप कोई भी प्रोडक्ट लें किसी भी ब्रांड का, चाहे इन्वर्टर लें बैटरी लें, आप उसकी वारंटी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं जिस दिन भी आप उसको परचेज करें। उसमें आपका फ़ायदा ये होगा, अगर आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर करवा देते हैं, आपको ना तो बिल रखने की टेंशन है, ना ही आपको वारंटी कार्ड रखने की टेंशन है, आपकी वारंटी ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी और कंपनी सीरियल नंबर से ही डायरेक्ट चेक कर लेगी कि इसकी वारंटी बची हुई है या नहीं बची है। बहुत बढ़िया फीचर है। उसके बाद अगर हम बैक की बात करें,
ये जो इसकी बैक है, ये मेन का स्विच दिया गया है, बहुत टाइट है भाई, ये मेन में लगेगा आपका। और ये यहाँ से आउटपुट का है, जब आउटपुट आपको लेनी होगी तो यहाँ से इसमें से आउटपुट निकलेगी। उसके बाद ये जो बटन है ये यूपीएस मोड का और आपका नॉर्मल मोड का है। ये जो बटन है ये आपकी एमसीबी है, मेन एमसीबी, ये आपकी डाउन हो गई। और जब आपको मेन से ऑन करना है तो इसको आप अप कर दें। जब आपकी मेन आ रही हो और आपको बाईपास देना है तो इसमें ऑटोमेटिक ये उसको बाईपास करेगा। उसके बाद इसमें ये जो मोड है, सबसे ये जो बटन्स दिए गए हैं, चार्जिंग करंट हाई करनी है, स्टैंड करनी है, हाई चार्जिंग रखना, स्टैंड रखना। उसके बाद इनपुट वोल्टेज है, यूपीएस मोड पे रखनी है आपको या इन्वर्टर मोड पे रखनी है, वो मैंने आपको बता दिया इन्वर्टर मोड और यूपीएस मोड पे कितनी कितनी वोल्ट है। उसके बाद ट्यूबलर बैटरी है, फ्लैट है, कौन सी बैटरी है, तो यहाँ से भी। अब ये जो सेटिंग्स है ये आप प्रॉपर करें, क्योंकि अगर आपकी ये प्रॉपर सेटिंग्स है तो उसमें आपका भी फायदा होगा, इन्वर्टर उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत अच्छी तरह करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा फ़ैन दिया गया है इसमें, और ये है जो है ब्लैक वाली वायर बैटरी के नेगेटिव के लिए और रेड वाली वायर बैटरी के पॉजिटिव के लिए। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। वारंटी इसकी 2 साल की है, सिंगल बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं। प्राइस जो रहने वाला है इसका, प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस इसका आपको मिलने वाला है 6,000 से 7,000 के बीच, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस पर आपको बैटरी कौन सी लगानी है, अब देखिए जब ये हैवी इन्वर्टर है, हैवी इन्वर्टर का मतलब है कि आपका ज़्यादा लोड चलाएगा, तो ये आपका ज़्यादा लोड लेगा। अब ज़्यादा लोड अगर ये चलाएगा तो इसकी कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, चाहे वो इनपुट की हो चाहे आउटपुट की हो। बैटरी की अगर हम बात करें, बैटरी इसमें आपको कम से कम रखनी है, जो मेरी तरफ से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, 180 Hz की बैटरी आप इसमें मिनिमम रखना। अब अगर आप ये बैटरी रखो 120 Hz की, 135 Hz की, उसको फट से चार्ज कर देगा और फट से उसको डिस्चार्ज भी कर देगा। अगर आपकी बैटरी होगी 180 Hz, 200 Hz, 220 Hz, 240 Hz तक की भी अगर आप बैटरी रखें, तब भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका लोड भी एक्स्ट्रा चलाएगा, 1000 वाट तक का लोड चलाएगा, 1200 VA तक का लोड ये चलाएगा और आपका बैकअप भी फुल देगा। तो इस पे जो बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ी हाई रखना। उसके बाद वारंटी रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया आपको, इसमें ऑप्शंस दिया गया है, ये यहाँ पर इसका कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इससे स्कैन करके आप इसकी वारंटी को रजिस्टर करवा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में ये इन्वर्टर है, एल्युमिनियम में इन्वर्टर है, क्योंकि ये सवाल मेरे से पूछ लेते हैं कि सर इसमें ट्रांसफॉर्मर नहीं है। लगभग सभी में जो इन्वर्टर वाले हैं उनमें सभी में ट्रांसफॉर्मर है। जो सोलर पीसीयू वगैरह आए हैं वो ट्रांसफॉर्मर लेस आने लगे हैं, ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है वो ट्रांसफॉर्मर लेस है, लेकिन इनमें अभी ट्रांसफॉर्मर है, इसीलिए इनमें वेट है, क्योंकि अगर वेट की जाए तो ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही है, विदाउट ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टर में बहुत कम वेट होता है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।